नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आज है 23 अक्टूबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। ग्रामीण विकास अधिकारी के 8987 पदों पर निकाली गई रिक्तियां। डिजिटल शिक्षा एवं रोजगार विकास संस्थान ने सहायक ग्रामीण विकास अधिकारी ने 8987 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10+2 की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं आयु सीमा न्यूनतम या अधिकतम 18 वर्ष और 35 वर्ष होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक dsrvs.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। बुधसर की ट्रेन का परिचालन हुआ शुरू। एसी फर्स्ट क्लास का किराया तकरीबन 1,25,000 रुपए। तमाम सुख सुविधाओं से लैस बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। 8 दिन के सफर पर रवाना हुई यह ट्रेन देश विदेश के सैलानियों को भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करवाएगी। एसी फर्स्ट क्लास का किराया तकरीबन 1,25,000 रुपए है, तो वहीं एसी सेकंड क्लास का किराया तकरीबन 1,00,000 रुपए है। एसी फर्स्ट क्लास के लिए 96 सीटें हैं, तो वहीं एसी सेकंड क्लास के लिए 60 सीटें हैं। इसमें चलते फिरते 2 रेस्टोरेंट हैं, जिसमें सैलानियों के लिए खाना परोसा जाता है। हर एक रेस्टोरेंट में 64 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलेगा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग ने अपने आदेश से यह साफ कर दिया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। दरअसल बिहार के नवादा जिले के राजेश कुमार ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नियोजित शिक्षकों को दिए जाने का आग्रह किया था, मगर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने अपना जवाब स्पष्ट करते हुए यह साफ कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देने का कोई प्रावधान अब तक नहीं है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, आज नीतीश कुमार जदयू के प्रशिक्षण शिविर में शिरकत होंगे। खबरों के अनुसार आयोजित शिविर में कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली जेडीयू के प्रभारी तथा बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा के साथ जदयू दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष दयानंद राय भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 5 नवंबर को जेपी नड्डा आएंगे बिहार दौरे पर। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 नवंबर को बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि पर आयोजित पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने बिहार दौरे पर आएंगे। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा का यह पहला बिहारी दौरा होने जा रहा है। जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के सभी विधायक और एमएलसी मौजूद रहे। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए हुई अहम बैठक। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बिहार के कई जिलों में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पतालों का निर्माण को लेकर दिल्ली केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने निर्माण भवन में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से सख्ती से निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी। फरवरी 2020 तक किसी भी हाल में काम पूरा करना होगा। आपको बता दें, बिहार में श्रीकृष्ण मेमोरियल कॉलेज मुजफ्फरपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दरभंगा, गया, भागलपुर और पीएमसीएच पटना में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जमीन विवाद के मद्देनजर हर प्लॉट को दिया जाएगा यूनिक आईडी नंबर। जमीन विवाद पर ब्रेक लगाने के लिए बिहार सरकार नई पहल करने जा रहा है। अब हर प्लॉट की अलग यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी लागू होने पर जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता आएगी और भूमि विवाद पर अंकुश लगेगा। यूनिक नंबर के माध्यम से खरीद बिक्री से पहले जमीन की कितनी बार खरीद बिक्री हुई है, इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस में अब 2 अतिरिक्त एसी कोच की सुविधा। राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब सेकेंड और थर्ड क्लास एसी में एक एक कोच की सुविधा मिलेगी। आपको बता दें, इस नई सुविधा को शुरू करने के साथ कुछ पुरानी सुविधाओं को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके तहत श्रमजीवी एक्सप्रेस की अप एंड डाउन लाइन की 2 स्लीपर कोच की सुविधा समाप्त कर दी गई है, जिसके पश्चात अब श्रमजीवी एक्सप्रेस की दोनों गाड़ियों में कुल 24 कोच की सुविधा मिलेगी। त्योहारों में 9 अन्य ट्रेनों में जोड़ी गई बोगिया। दीपावली व छठ पूजा के साथ साथ क्रिसमस और न्यू ईयर पर रेल यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ के मद्देनजर पूर्व मध्य रेल प्रशासन ने 9 जोड़ी ट्रेन में 21 अक्टूबर से 20 अप्रैल 2020 तक अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि कुछ ट्रेनों में स्लीपर तो कुछ में जनरल डिब्बों को बढ़ाया गया है। आइए जानते हैं मौसम का हाल। दरभंगा, गया और लखीसराय में मौसम साफ रहेगा। किशनगंज और पूर्णिया में धूप और बादल दोनों बने रहेंगे। वहीं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सिवान, बेगूसराय, रोहतास में हल्की धूप के साथ बादलों का आना जाना लगा रहेगा। बाकी मौसम सामान्य रहेगा। इसके साथ ही भागलपुर और मुंगेर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बाकी सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग सामान्य होंगे।
राज्यपाल ने दी विश्वविद्यालयों के गुणवत्ता पर काम करने की नसीहत। राज्यपाल फागू चौहान ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और विकास के लिए निर्धारित एजेंडों पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक एवं एकेडमिक कैलेंडर का अनुपालन करना सभी विश्वविद्यालयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक प्रगति के लिए पहले ही स्पष्ट मानक निर्धारित हैं, जिस पर महज सभी विश्वविद्यालयों को एकाग्रता से काम करना है, ताकि वो भविष्य में अपने आप को बेहतर सिद्ध करने में सक्षम हो। गया जाने वाले लोग इन पर्यटन स्थलों पर जरूर भ्रमण करने जाएं। गया जाने वाले लोग इन मशहूर धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करना ना भूलें। विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, चौबार गांव स्थित शिव मंदिर, तिब्बती मठ और मंगला गौरी मंदिर जरूर घूमने जाएं। इसके अलावा जामा मस्जिद भी जरूर जाएं। पटना से गया जाने के लिए बस और ट्रेन दोनों की सुविधा उपलब्ध है। ट्रेन से जाने वाले यात्रियों को लगभग 3-4 घंटे का सफर करना होगा, वहीं बस से जाने वाले यात्रियों को 3 घंटे का सफर करना होगा। राजधानी में मच्छर भगाओ अभियान पर निकले पप्पू यादव। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव राजधानी पटना में मच्छर भगाओ अभियान पर निकल चुके हैं। जल निकासी और सफाई अभियान के बाद अब पप्पू यादव ने फॉगिंग का जिम्मा उठाया है। अभियान से पूर्व पप्पू यादव ने कहा कि गठित जन अधिकारी सेवा दल शहर के चारों किनारों पर मशीनों का वितरण कर रही है। 2 सप्ताह में 12 फॉगिंग मशीनें देने का लक्ष्य है। यह मशीन मोहल्ले के लोगों को प्रतिबद्ध की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सरकार से सारी सरकारी मशीनरी की मांग की है और दावा किया है कि आने वाले 2 सप्ताह में पटना को क्लीन कर देंगे। बिहार पुलिस में अब देश की तर्ज पर होगी रिसर्च। भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए बिहार पुलिस अपने आप को सशक्त बनाने में जुट गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने को लेकर पुलिस किस तरह काम करेगी, प्रशिक्षण के तौर तरीके क्या होंगे, जवानों को किन सामान की जरूरत होगी, इस पर पूरा रिसर्च किया जाएगा। इसके लिए बिहार पुलिस अनुसंधान एवं विकास इकाई का गठन किया जा रहा है, जो इन सब पर निगरानी रखेगी। 15 नवंबर से स्कूलों की सच्चाई खंगालने का मेगा अभियान, स्कूलों को परखने की सगुनोत्सव महाअभियान 15 नवंबर से शुरू किया जाएगा। इसके तहत प्लस टू को 56 जबकि प्रारंभिक स्कूल को 40 बिंदुओं पर छानबीन की जाएगी। इसे विद्यालयों के निर्माण स्थल की भी जानकारी मिल जाएगी। इस आधार पर सभी स्कूलों की ग्रेडिंग भी की जाएगी। जांच के दौरान जारी डेटा अंतिम माना जाएगा और उसी के आधार पर शिक्षा में सुधार को लेकर योजनाएं बनाई जाएंगी। देश में पहली बार QR कोड से करवाया गया मतदान। उपचुनाव में इस बार पहली बार मोबाइल ऐप से वोटरों की पहचान और मिलान की प्रक्रिया की गई। मोबाइल ऐप के माध्यम पहले पर्ची का QR कोड स्कैन किया गया, जिससे कि वोटरों की तस्वीर, नाम आदि से जुड़ी जानकारियां उनके सामने आ गई। इस प्रक्रिया से सही ID कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली, तो वहीं गलत आदमी को वोटिंग करने से रोका गया। साथ ही स्कैन के बाद मतदाताओं को उनकी लाइन के बारे में जानकारी भी दी गई, जिससे उन्हें लाइन में लगे रहने की जरूरत नहीं पड़ी। ट्रक मालिकों की विकास आयुक्त के साथ वार्ता बेनतीजा। बिहार में ट्रक परिचालन का धंधा ठप पड़ा हुआ है। तकरीबन 5.5 लाख ट्रकों में से 2.5 लाख से ज्यादा ट्रक सड़कों से गायब हो गए हैं, जिस बाबत ट्रक मालिकों ने विकास आयुक्त के साथ वार्ता करने की कोशिश की, मगर बेनतीजा वार्ता के बाद ट्रक मालिकों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, अधिकतर पुलों से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित होने के कारण और करों व जुर्माना राशि में वृद्धि होने के कारण ट्रक मालिक हड़ताल पर उतर गए हैं। आवास योजना के पहले स्थान पर पहुंचा बंदरा। प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार के बंदरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। योजना के तहत वहां के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ तेजी से मिल रहा है। इस बाबत जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को तय लक्ष्य को निर्धारित समय पर पूरा करने का आदेश दिया है, ताकि लाभुक अपने नए घर में जल्द से जल्द जा सके। भोजपुरी की लोक गायिका देवी की जल्द होने जा रही है शादी। बिहार के छपरा की लोक गायिका देवी जल्द ब्राजील के एक बिजनेसमैन फैब्रिसियो से शादी करने जा रही हैं। इस बात का खुलासा खुद देवी ने किया है। देवी ने बताया कि अगर सब ठीक रहा तो दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। अपने अनाउंसमेंट में देवी ने कहा है कि वो साथी में विश्वास करती हैं, शादी में नहीं। अपने एक साक्षात्कार में देवी ने कहा कि उन्हें वेस्टर्न कल्चर पसंद है, जहां एक दूसरे को जानने और पसंद करने के बाद लोग शादी के बंधन में बंधते हैं। गिरिराज ने अमित शाह को अपने अनूठे अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई। भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने अपने अनूठे अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह को जन्मदिन की बधाई दी है। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई देते हुए लिखा है कि जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, आप यूं ही देश को देश विरोधियों से मुक्त कराते रहें। गिरिराज सिंह के अलावा भाजपा के कई नेताओं ने भी अमित शाह को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना से 3 दिनों में जुड़े 4,587 लोग। 19 अक्टूबर को समाप्त होने वाली मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 11 नवंबर तक कर दी गई है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका है। आपको बता दें, बाढ़ के कारण कुछ जिलों में आवेदक आवेदन नहीं दे पाए थे।
आवेदकों के अनुरोध पर सरकार ने आवेदन की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है, जिसके पश्चात पिछले 3 दिनों में कुल 4,587 लोगों ने इस योजना के लिए आवेदन भरा है। आज है मोल दिवस। हर साल 23 अक्टूबर को मोल दिवस मनाया जाता है। यह दिन केमिस्ट्री में एवोगाड्रो की संख्या को याद कराता है, जो रसायन विज्ञान में एक बुनियादी मापक इकाई है। आपको बता दें, 23 अक्टूबर को मोल दिवस बनाने का उद्देश्य महज रसायन विज्ञान में लोगों की रुचि पैदा करना था। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका में बिहार के नदीम ने झटकाए 4 विकेट। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज में पहली बार भारतीय टीम की ओर से खेलने उतरे बिहार के नदीम की शानदार बॉलिंग ने भारत को जीत के और करीब पहुंचा दिया। आपको बता दें, इस टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में नदीम ने साउथ अफ्रीका के 4 विकेट चटके। इसके साथ ही भारत ने साउथ अफ्रीका को 203 रनों से जबरदस्त मात दी। खेसारी लाल का नया गीत YouTube पर कर रहा ट्रेंडिंग। बिहार में धूमधाम से मनाए जाने वाले महापर्व छठ पर भोजपुरी म्यूजिक वर्ल्ड के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का नया गीत लोगों को खूब भा रहा है। खेसारी लाल का नया छठ स्पेशल गाना मेकअप के फेरा अरग के बेरा YouTube पर महज 24 घंटे में वायरल हो गया। वायरल भी ऐसा हुआ कि यह गाना YouTube पर टॉप 10 में ट्रेंड कर रहा है। अब तक इस गाने को 1,03,65,610 बार देखा गया है। छठ से पहले घाटों से गाद हटाने का काम जोर शोर से। गंगा का जल स्तर घटने के कारण घाटों के किनारे दलदल हो गया है। गाद को हटाने के लिए प्रशासन ने कलेक्ट्रेट घाट के 5 पोकलेन मशीनों को गंगा में उतारा है। गाद हटने के बाद नीचे कड़ी मिट्टी है, जिस पर गंगा के मुख्य प्रवाह तक जाने के लिए संपर्क पथ बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। 3 घाटों पर प्रशासन द्वारा सबसे अधिक काम किया जा रहा है। दीघा घाट, बांस घाट और कलेक्ट्रेट घाट पर पोकलेन मशीनों से गाद हटाई जा रही है। डीएम कुमार रवि का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में गाद को हटा दिया जाएगा, ताकि सभी घाटों पर संपर्क पथ बनाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।